एंड स्लो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ मसालेदार ड्राई छोले। आइए देखते हैं इसके लिए मैं क्या क्या चाहिए। इसके लिए लिया है मैंने रिफाइंड ऑयल, कुकिंग ऑयल, आप जो भी ऑयल यूज करते हैं वो ले सकते हैं। ये देखिए, ये SDS का छोला मसाला है, चने और छोले दोनों में यूज होता है। ये दिल्ली का लोकल मसाला है जो बहुत छोलों और चनों को टेस्टी बनाते हैं। ये लिए है मैंने उबले हुए छोले, ये देखिए, इसको रात को मैंने भिगो दिया था, अभी मैंने कुकर में उबाल दिया थोड़ा नमक और ऑयल डाल के। ये है एक तेज पत्ता, थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ अदरक, थोड़ा सा जीरा, चुटकी भर हींग, एक हरी मिर्च, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, चौथाई चम्मच नमक, बिल्कुल चुटकी भर काला नमक, चौथाई चम्मच हल्दी, चौथाई चम्मच गरम मसाला, एक प्याज, छोटा प्याज लिया है जिसको मैंने पतले पतले ऐसे स्लाइसेस करके रखा हुआ है, एक टमाटर को ग्रेट करके रखा हुआ है और थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया। ये गैस पे कढ़ाई, इसमें डाला है थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, अब इसमें हम डाल देंगे तेज पत्ता, साबुत हरी मिर्च, ग्रेट किया हुआ अदरक, हींग और जीरा। मैं आई हूँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। ये छोले मसालेदार है जो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, आप इसको रोटी, पराठा, चावल वैसे भी खा सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा मसाला थोड़ा सा भून गया है, अब इसमें मिला देंगे हम स्लाइस किए हुए हमारे कटे हुए प्याज। प्याज डालना ऑप्शनल है, अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। आप अब मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, सेम मेरी चैनल की आईडी से, कुक फास्ट एंड स्लो से। ये देखिए चने, ये प्याज हमारे स्लाइस थोड़े से हमें हल्के गोल्डन ब्राउन करने हैं, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करने हैं। इसको लगातार हम चलाते रहेंगे, लगातार चलाते हुए 2 मिनट फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारे प्याज फ्राई हो चुके हैं, इसमें हम अब मिला देंगे हमारा ग्रेट किया हुआ टमाटर और सारे मसाले। ये देखिए सारे मसाले जो हमने लिए थे, सभी मसाले हम इसमें मिक्स कर देंगे और लगातार चलाते हुए पकाएंगे जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे। देखिए मसाला अच्छे से पक चुका है, इसमें ऑयल भी छोड़ दिया है, इसमें हम डाल देंगे हमारे बॉईल किए हुए छोले। ये देखिए, और इसको हम 2 मिनट कुक होने के लिए ढक देंगे। आइए छोलों को देखते हैं। ये देखिए अच्छे से हमारे छोले बनके तैयार हो गए हैं, अब इसमें हम लास्ट में मिला देंगे 1 छोटा चम्मच करीबन छोले मसाला, इससे छोले का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, और थोड़े से फ्रेश हरा धनिया, और मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारे मसालेदार छोले खाने के लिए बिल्कुल तैयार है।